हेलो दोस्तों, स्टडी मेनू में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक स्कॉलरशिप के बारे में, जिस स्कॉलरशिप को सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही सीमित ना रखें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सबके साथ शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस स्कॉलरशिप से अगर एक भी कैंडिडेट को अगर मदद मिल सके तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। तो आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा सके। तो दोस्तों, COVID-19 पेंडेमिक के कारण बहुत लोगों ने अपना जॉब भी खोया है, साथ ही साथ बहुत लोगों ने अपना रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर को भी खोया है। जो अर्निंग मेंबर थे उनको भी बहुत लोगों ने खोया है। तो दोस्तों, बडी फॉर स्टडी ने कोविड क्राइसिस सपोर्ट के नाम से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें जो स्टूडेंट है, अगर उनका कोई फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है उनका, अगर इस पेंडेमिक के कारण उन लोगों का जॉब छूटा है या फिर कोरोना की वजह से उन स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को खोया है, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप मेनली है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। अच्छा, तो इस वीडियो में डिटेल्स में देख लेते कौन कौन लोग एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया है और इसका लास्ट डेट क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग नीचे स्क्रॉल करके जाइए। अच्छा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो डेडलाइन है वो 30 जून है, तो अभी भी आपके पास 1 महीना है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेंट को इंडियन नेशनल होना पड़ेगा, साथ ही साथ ये इंडियन स्टूडेंट जो लोग क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वो भी कैंडिडेट के जो फैमिली के जो अर्निंग मेंबर थे उन लोगों ने अगर कोरोना की वजह से अपना जॉब खोया है तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो स्टूडेंट जिन लोग का पेरेंट्स जनवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए वो लोग भी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेनिफिट में आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 30,000 रुपीज़ पर ईयर स्कॉलरशिप मिलने वाला है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करना है वो भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस एजुकेशनल डिग्री का मार्कशीट आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा, इसके साथ आपका आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या फिर अगर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी हो तो उसको आप लोग को सबमिट करना पड़ेगा। और करेंट ईयर के जो एडमिशन प्रूफ जैसे फी रिसिप्ट या फिर एडमिशन लेटर वो भी आपको सबमिट करना है। और आपके फैमिली के जो अर्निंग मेंबर जिनका जॉब लॉस हुआ है तो उसका प्रूफ भी आप लोग को सेंड करना पड़ेगा, या फिर उन स्टूडेंट जिनका फैमिली के जो अर्निंग मेंबर थे वो कोरोना की वजह से एक्सपायर हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आप लोगों को शो करना पड़ेगा। और एक एफिडेविट आपको करना पड़ेगा दूसरे पर्सन से जिनको आपके जो फैमिली क्राइसिस के बारे में आपको पता है, और आपको जो बैंक अकाउंट है आपका खुद का बैंक अकाउंट होने से भी होगा या फिर आपके पेरेंट्स के जो बैंक अकाउंट है उसका सारा डिटेल्स आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप लोगों को अपलोड करना है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का बटन आप देख पा रहे हो वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद अगर आपका बडी फॉर स्टडी में पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप लोग फेसबुक, गूगल, ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप अगर फर्स्ट टाइम यूज़र है तो यहाँ पे रजिस्टर पे जाके एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि मेरा पहले से बडी फॉर स्टडी में अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाना है और जाके यहाँ पे अपलोड क्लिक करना है। अच्छा दोस्तों, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, आप फिजिकली चैलेंज होगी नहीं वो भी यहाँ पे आपको मैंशन करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, फिर आपको यहाँ पे आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सेव इन कंटिन्यू करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना एडुकेशनल डिटेल्स में जाना है, फिर आप कौन से क्लास में पढ़ते हो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप क्लास 11 पे हो तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी क्लास के हो उसके हिसाब से आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना फैमिली मेम्बर ऐड करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मोर अबाउट ऑफ योर सेल्फ में किस क्राइसिस में आप लोग स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स आपको फिलअप करना है, ईयर ऑफ क्राइसिस, फिर जो डिजीज थे या फिर जिन लोगों ने अपने जॉब खोया है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। साथ ही साथ एडुकेशन एंड करियर एस्पिरेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपको सेव इन कंटिन्यू करना है, फिर अब यहाँ पे आपको आई हैव रेड पे जाके टिक करना है। टिक करने के बाद प्रीव्यू करना है। अच्छा, तो प्रीव्यू करने के बाद आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड को वेरीफाई किया जाएगा और बाकी सारे जो भी डिटेल्स आपने दिया है वो सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद ही आप लोगों को टेलीफोनिक एक इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने के बाद आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आगे क्या करना है वो लोग आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके बेस में बाकी फर्दर प्रोसेस होने वाला है।
तो एक बार फिर से बोल रहे कि इस वीडियो को आप अपने पास सीमित ना रखें, जितने लोगों के पास इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो शेयर ज़रूर करना, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।